ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 28 ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಅಂದರೆ 2020 ತುಂಬಾ ಖರಾಬಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟ್ರುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ಬಜೆಟ್ನ ಫಿಲಮ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. हिंदी में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म से हम हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फिल्म को इंक्लूड किया जो कि डायरेक्टली हिंदी में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म जब रिलीज होगी ना तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ सकता है. तो प्लीज वीडियो पूरा देखो लास्ट में और बीच में ही तो बड़ी फिल्म को इंक्लूड किया हूं तो प्लीज वीडियो पूरा देखो. तो चलिए लाइक का बटन दबा दो, शुरू करते हैं. लाइक का बटन दबा दो. ओ इंट्रो सुपर है, फिल्म स्टूडियो नंबर 28 कब्जा और ये गैंगस्टर की कहानियों की विद कब्जा 28 ರವಿ ಬಸ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. मैंने पहले ही बोला मेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है और फिल्म में तारा सुतारिया और दिशा पटानी भी दिखाई देने वाली है और फिल्म को डायरेक्शन देंगे मोहित सूरी जो कि आस्की 2 और एक विलेन जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं. और जैसे कि आप सभी को मालूम है एक विलेन ने 2012 में 100 करोड़ क्या लगता है आप लोगों को ये फिल्म 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर पाएगी या ना करके बताओ मुझे. और फिल्म को डायरेक्शन देंगे अहमद खान. रुको मैंने कहीं तो सुना था टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू नीड ओनली वन थिंग स्क्रिप्ट. और फिल्म के राइटर है रजत अरोड़ा जो कि जिनकी राइटिंग स्किल बहुत ही तगड़ी है. मुंबई के राइटर हो चुके हैं कि और गब्बर इज बैक के डायलॉग लिख चुके हैं. और क्या आपको उम्मीद है इस फिल्म से, हाँ या ना करके मुझे बताओ. और ये फिल्म 6 जुलाई 2021 में रिलीज हो रही है. नंबर 24 सिरसा और इस फिल्म में हम सबको कैप्टन विक्रम बत्रा जी की कहानी दिखाई जाएगी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में डबल रोल प्ले करने वाले हैं और ये एक वॉर एक्शन फिल्म होगी. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म को डायरेक्शन देने वाले तमिल डायरेक्टर विष्णुवर्धन दे चुके हैं. और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म के लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत की तो होपफुली ये फिल्म बड़ी हो सकती है और ये फिल्म अर्ली 2021 में रिलीज हो रही है. नंबर 23 मुंबई सागा और ये गैंगस्टर मुंबई सागा वाली है. फिल्म में जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय कई प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट दिखाई देंगे. गुड कास्ट है. डायरेक्शन देंगे संजय गुप्ता जो कि गैंगस्टर फिल्म बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और ये फिल्म अर्ली 2021 में रिलीज हो रही है. ओके. हेलो ಮೇರಿ ಹಲ್ದಿ ಪೌಡರ್ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಈ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಕರೆಂಗೇ.
डायरेक्शन देंगे पूरी जगन्नाथ पूरी जो कि जगन्नाथ बहुत डायरेक्शन स्मार्ट देंगे। इंसान का और बिजनेसमैन जैसे बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं, और इस कॉम्बो को चला देखने में रहते कुछ चाहे अलग मेरी ही इंसान स्वाद आने सुनती। वाला है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इस फिल्म से वीडी बॉलीवुड डेबूट कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। और इस फिल्म में वो बॉक्सर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, ओके और ये एक पैन इंडिया फिल्म है, और ये फिल्म को हिंदी और तेलुगु में साथ में बनाए जा रहे हैं, ओके ओके और ये फिल्म 50% कंप्लीट हो 50% चुकी है, कंप्लीट आई 4183। और ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी और कई पॉपुलर फेसेस इस फिल्म का पार्ट होने वाले हैं। ओके और फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं कबीर खान, जो कि क्रिकेट बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी फिल्म दे चुके। नंबर 20 सूर्यवंशी, और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि 300 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से पार कर सकती है, और ये एक बहुत ही बड़ी 300 करोड़ फिल्म होगी। जबरदस्त है। तो अक्षय कुमार सर और कैटरीना कैफ दिखाई गेट देने वाले हैं, और फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन सर कैमियो करने वाले हैं। और ये फिल्म और 83 फिल्म, दोनों फिल्म मार्च 2021 से बहुत ही पहले रिलीज होने वाली है। नंबर 90 सत्यमेव जयते 2, और ये एक विगिलेंट एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में जॉन अब्राहम और दिव्या खोसले कुमार दिखाई देंगी, और ये फिल्म ईद 2021 में रिलीज हो रही है। पार्ट वन को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, और हाईएस्ट ओपनिंग ए रेटेड फिल्म थी, आप लोगों को मालूम ही होगा। फिल्म ने 90 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था, और फिल्म ने गोल्ड से क्लैश की थी, और इस बार भी होपफुली हम सबको एकदम तगड़ा वाला क्लैश देखने मिल सकता है। फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की कहानी दिखाई देगी, और इस रोल को अजय देवगन सर प्ले कर रहे हैं, और प्रिया मणिराज और गजराज राव भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। और ये फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हो ये फिल्म कितनी तगड़ी कमाई करने वाली है और कितना बड़ा धमाल करने वाली है। नंबर 16 अपने टू, और इस फिल्म के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट कर रही है, और ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में धर्मेंद्र देओल जी, सनी देओल, प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, और फिल्म को डायरेक्शन देंगे अनिल शर्मा, जो कि गदर एक प्रेम कथा उनकी लास्ट फिल्म थी जीनियस ऐसी फिल्में दे चुके हैं, और ये फिल्म दिवाली 2021 में रिलीज हो रही है। नंबर 50 पोनियन सेल्वन, और ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, कार्तिक, विक्रम, जयम रवि, स्टार कास्ट है, और फिल्म के किशोर इधर कोर राइटर होने वाले मणि रत्नम, ओके, और म्यूजिक दे रहे एआर रहमान, और ये फिल्म की तैयारी ना, ये फिल्म चला रहे थे, क्यों कैसे बताऊं, पोनियन सेल्वन, और ये मणि रत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि गुरु और दिल से जैसी बड़ी फिल्म दे चुके हैं, और ये फिल्म होपफुली 2021 की एक बड़ी फिल्म हो सकती है। नंबर 40 राधे और मोस्ट वांटेड भाई, और इस फिल्म में सलमान भाई ना चुलबुल पांडे जैसी मस्ती करेंगे ना हरकत करेंगे, एक सीरियस कॉप फिल्म है, ये प्रभु देवा सर ने बोला था, और ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म में सलमान खान, दिशा पटानी की रोल प्ले करेंगे, और फिल्म में रणदीप हुड्डा भी दिखाई देने वाले हैं, और ये फिल्म ईद 2021 में रिलीज हो रही है, और फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही हटके होने वाला है, और ये फिल्म टोटली कंप्लीट हो चुकी है। इंडियन टू और इंडियन टू एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, इंडियन वन नोडी चेनाई शंकर सलमान खान, ऋतिक रोशन कैमियो कर रहे हैं, तो ये फिल्म और बड़ी हो सकती है। और फिल्म को डायरेक्शन देने वाले सिद्धार्थ आनंद सर, जो कि वॉर जैसी बड़ी फिल्म दे चुके हैं, और ये फिल्म होपफुली दिवाली में रिलीज हो सकती है। नंबर 10 मेजर, और ये 2021 की वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मूवी होगी। ओके मेजर ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ 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 ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
और फिल्म की स्टोरी और फिल्म की स्क्रीन प्ले अद्वितीय मराक कर तरीके की है, और ये फिल्म समर 2021 में रिलीज हो रही है, और फिल्म पे पैसा सुपर लगा रही महेश था बाबू सर, और ये फिल्म हिंदी और तेलुगु में साथ में बन रही है, और ये फिल्म एक पेन मलयाली फिल्म, तो मलयालम सपोर्ट कर फिल्म देना दो भाई। हंड्रेड करोड़ डायरेक्टर प्रिय दर्शन ने कुछ कहा ओके कि ओके ये फिल्म के डिले के लिए मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, ये फिल्म जब भी रिलीज होगी ऑडियंस इस फिल्म को देखने आएंगे, और इस फिल्म की हाइप बहुत ही बड़े लेवल पे है, और मेरी करियर की सबसे महंगी फिल्म है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये फिल्म का बजट अप्रोक्स 100 करोड़ है, और मलयालम इंडस्ट्री की ओके सबसे ओके महंगी ओके फिल्म ओके होने वाली है ये, और फिल्म में मोहनलाल, अर्जुन सारजा, सुनील शेट्टी, प्रभु, कीर्ति सुरेश और कई प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट दिखाई देने वाली है, और ट्रेलर एकदम मक्खन था भाई, एकदम मक्खन था, और ये फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है, और ये एक हिस्टोरिकल एपिक वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में विक्की कौशल टाइटल रोल प्ले करेंगे, फिल्म को डायरेक्शन देने वाले मेघना गुलजार, नाम तो सुना ही होगा, तलवार और राजेश जैसी शानदार फिल्में दे चुके हैं, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर सैम मानेकशॉ की कहानी दिखाई जाएगी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में जब वॉर हुआ था 1971 में, उस समय वो चीफ आर्मी स्टाफ थे, और ये एक बायोग्राफिकल वॉर एक्शन फिल्म होने वाली है। नंबर 7 पृथ्वीराज, और इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की कहानी दिखाई जाएगी, और ये अक्षय कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, अक्षय कुमार चौहान, मानुषी चिल्ला उनकी वाइफ का रोल प्ले करने वाली संयुक्ता, और संजय दत्त, सोनू सूद भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले, रिलीज हो रही है। नंबर 6 पुष्पा, और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, फिल्म में अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की रोल प्ले कर रहे हैं, और ये फिल्म हिंदी में ऑफिशियली रिलीज होने वाली है, और ये एक पिन इंडिया फिल्म है, अल्लू अर्जुन की फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है यार, मिठाई बटवा दो, और फिल्म अली 2021 में रिलीज हो रही है, और फिल्म को डायरेक्शन सलमान खान दे रहे, शाहरुख खान दे रहे, और आर्या 2 अमेरिका तो बता रहे, और फिल्म की कहानी लाल चंदन के स्मगलिंग के ऊपर होने वाली है। ओ इधरलो बरता रहा, ओ इन्हें ग्रेट है, चला देते हैं। इंडिया में 100 से ज्यादा लोकेशन में हुए, तो आप लोग समझ सकते हो फिल्म कैसी होने वाली है, और ये फिल्म एक कॉमेडी रोमांटिक दिसंबर को फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर की रोल प्ले कर रहे हैं, और फिल्म में शाहरुख खान और रीमेक के अंदर अपीयरेंस करने वाले हैं, और फिल्म को डायरेक्शन देने वाले एडविट चंदन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म ऑफ इंडिया सीक्रेट सुपरस्टार दे चुके हैं, और ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और ये फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी एडेप्टेशन होने वाला है, जिसको 6 ऑस्कर मिल चुका है, और ये फिल्म टॉप रेटेड लिस्ट में इंक्लूड है, आप लोगों को मालूम ही है। नंबर 4 राधे श्याम, और ये इंडिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म होने वाली है, सच्ची सच्ची, और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी, की रोल प्ले कर रहे हैं, और ये फिल्म तेलुगु और हिंदी में एक साथ रिलीज होगी, मतलब फिल्म की शूटिंग एक साथ हुई है, और ये फिल्म एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है, और फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है। नंबर 3 ब्रह्मास्त्र, और इस फिल्म को बनने में अप्रोक्स 4 साल लग गए, उदय शंकर ने इस फिल्म को इंडिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म बोला है, आप लोग देख सकते हो, और ये एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है, फिल्म एक माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म होगी, फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और मोनी रॉय इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करी है, और कई प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट दिखाई देगी, आप लोग देख सकते हो, और फिल्म के डायरेक्टर होने वाले अयान मुखर्जी, जो कि इस पे okay. बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, और ये फिल्म केजीएफ नायर दला केजीएफ अभी जून 2021 को टारगेट कर रही है, टारगेट मैंने बोला, और ये फिल्म का बजट अप्रोक्स 300 करोड़ रुपए होने वाला है, और ये फिल्म 3 पार्ट में बन रही है, पार्ट 1 2021 में आ रही है। नंबर 2 केजीएफ चैप्टर 2, और ये फिल्म धमाल नहीं करने वाली, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को फाड़ने वाली है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है केजीएफ चैप्टर 2 का लाइफ टाइम कोटी तो जास्ते आ जाते हैं सुनिए, और ये फिल्म मेरे फेस नोड बता दो, टीजर नोड डाल ले बता, हिंदी वर्जन कमाई करी है आपकी, भयंकर टीजर करने वाली, हिंदी वर्जन की बात करो, कमेंट सेक्शन में आप टीजर अस्टंदो फेस क्रिएट ಆಗಿದೆ, एक्शन फिल्म होने वाली है, ये फिल्म के लिए मूवी रिलीज आ रहा है, वेट करिए, और फिल्म का क्लाइमेक्स पार्ट 1 से बहुत ही बड़ा होने वाला है, ये फिल्म के बारे में आप सभी को मालूम है, फिल्म को डायरेक्शन देने वाले प्रशांत दिल, फिल्म में यस संजय दत्त, रवीना टंडन और कई प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट दिखाई देने वाली है, और ये फिल्म होपफुली 2021 की एक बहुत ही बड़ी फिल्म होगी। नंबर 1 RRR, और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि नॉर्मल कोटी कंक्लूजन का रिकॉर्ड बहुत ही आराम से तोड़ सकती है, तोड़ सकती है, और फिल्म के राइटर फिल्म के डायरेक्टर होने वाले फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है, और फिल्म में कई प्रॉमिसिंग कास्ट दिखाई देने वाली है, और ये फिल्म का बजट 400 करोड़ प्लस होने वाला है, आपके हिसाब से फिल्म कितनी कलेक्शन कर सकती है, प्रेडिक्शन करके आप लोग बता सकते हो, तो मुझे यकीन है आप लोग पसंद आए तो बड़ा बड़ा लाइक करो, और मैंने इस लिस्ट में मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म अभी इंक्लूड नहीं किया, मुझे भी मालूम है, और कमेंट सेक्शन मैंने लिस्ट पिन कर दिया, आप लोग कौन सी फिल्म के लिए वेट करो आप लोग बता सकते हो। ओके स्नेहितरा ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಲವರ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ,
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು 28 ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದಂತೆ. ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯಾವ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಯಾ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದವು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಲುಗಿನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋದು ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಾನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೇ. ಮತ್ತು KGF Chapter 2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು RRR ಐ ಮೀನ್ RRR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ದು ಪಠಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದು, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.